आकाश भाई, इनकी बैटिंग में लगता ही नहीं है कि T20 खेल रहे हैं, इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, टाइमिंग भरपूर, गैप में मारते हैं, अच्छे सीधे बैट से मारते हैं, ऊपर मिलती है तो सामने, पीछे मिलती है तो मिड विकेट की तरफ, लेकिन सीधे बैट से। छह गेंदों का बचा है खेल। ग्लेन मैक्सवेल को बुलाया गेंदबाजी के लिए। ग्लेन मैक्सवेल गाइस, छह के साथ ऋतुराज की जय जयकार। भारत के पूर्व में आए हैं और एक अभूतपूर्व पारी खेलकर भारतीय दर्शकों का वो मन मोह लिया है। ये ऋतु एक गायकवाड़ की है। मैक्सी की गेंद को ना दो बार टैक्सी में बिठा दिया, पहले एयर टैक्सी थी फिर अलोंग द ग्राउंड वाली टैक्सी। मैक्सी को जब आवर दिया होगा ना, ये देखिए चार रन जब दिया होगा ना ओवर, आकाश भाई नो बॉल भी है, ये नो बॉल भी है। अरे रुको जरा, अभी फ्री हिट, वहां पीछे फील्डर है लेकिन पकड़ते भी तो क्या ही कर लेते हैं। वैसे भी आकाश भाई ये पूरा ओवर फ्री हिट ही है। ऋतुराज एक चीज बता रहे हैं कि अगर आपके खेलने का तरीका सही है तो फिर आप फॉर्मेट को बदल सकते हैं। वो देखो खड़े गए डेव मैथ्यू वेड कहाँ खड़े हैं, मैं ये देख रहा हूँ। अगर इतना पीछे ही खड़ा होना था तो मार्कस स्टॉइनिस से करा लेते गेंद। एक और छे, मैक्सवेल साहब आप जब मारते हैं तो मजा बड़ा आता है लेकिन खाने में कैसा हो रहा है प्रतीत। लेकिन ऋतुराज ये देखिए, कैरम बॉल टाइप कुछ फेंकी गई थी ये बॉल, लेकिन उसके बावजूद भी सीधा। एक और इस बार दूसरे टियर में जाएगी। What a shot! ऋतुराज ने ये देखिए सामने बेहतरीन शॉट क्यूवेड को, यहां पीछे फील्डर, हाफ अ कैच हाफ अ चांस, मिल जाएगा चौका। 30 रन का 20वां ओवर, 2-2, 2-3 ऋतुराज गायकवाड़, 1-2-3 मात्र 57 गेंदों में 215 के स्ट्राइक रेट से। कहते हैं आगाज आपका कैसा भी हो मशीन, आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। 14 पर 1, 24 पे 2, 222 पर 3।